दो बैलों की कथा पार्ट वन। यह कहानी दो बैल हीरा और मोती की है, जिनको झूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। एक बार किसी कारणवश झूरी को उन बैलों को अपने ससुराल में झूरी के साले गया के पास छोड़ना पड़ता है, लेकिन हीरा और मोती को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें गया को बेच दिया है, इसीलिए वे जल्दी से उसके चंगुल से छूट के अपने घर जाना चाहते थे। रात को जब गया उन्हें चारा देके सो जाता है, तब वे दोनों रस्सी तोड़ के झूरी के पास आ जाते हैं। उन्हें देख के झूरी बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें कामचोर समझने लगती है। वह उन दोनों बैलों को पुनः गया के हवाले कर देती है। दूसरी बार जब गया उन्हें फिर लेके जाता है, तो उन पर अति क्रोधित होने के कारण उन्हें बहुत सताने लगता है। उन्हें खाना पानी देना बंद कर देता है और जो कुछ भी देता उसे वह ना तो ढंग से खाते और ना ही हल चलाते थे। गया अपने बैलों को अच्छे चारा डालता और हीरा मोती को सिर्फ भूसी खाने को दे देता था। उस घर में एक छोटी बच्ची जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती थी, एक रात उनको खोल देती है ताकि वे दोनों उस कैद से भाग जाएं। वे दोनों काफी देर दौड़ने के बाद एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं और वहां मटर के खेत में हरी भरे मटर खाने लगते हैं। उतने में कुछ लोग उन्हें घेर लेता है और कांजी होश में कैद कर देता है। काफी दिन वहां भी अनेकों यातनाओं को सहने के बाद उनको एक कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। उसके साथ चलते चलते जब वे अपने घर के रास्ते को पहचान लेते हैं, तो वे दौड़ते हुए झूरी के पास पहुंचता है और झूरी की पत्नी भी उसे प्यार से चूम लेती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।